है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मैजिक हैंड पर आपका स्वागत है। मैं पल्लवी दास आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आपको पनीर देख के पता ही चल रहा होगा कि आज मैं पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हाँ, मैं आज पनीर की रेसिपी लाई हूँ। मैं आज बनाऊँगी पनीर भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर भरता बनाने के लिए मैं ली हूँ 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े साइज कटे हुए प्याज, टमाटर, नमक, टमाटो सॉस, जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती, तेल और एवरेस्ट का पनीर मसाला। अब लेते हैं एक कढ़ाई और गैस ऑन कर लेते हैं। पैन गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे तेल। चार चम्मच और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, इसमें घिसा हुआ अदरक को डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च। आप अदरक और लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मुंह में लगता है इसलिए मैं इसको ग्रेटेड करके डाली हूँ। अब इसमें प्याज को डालकर इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन हो गया है, अब इसमें डालेंगे चॉप्ड टमाटर और इसको मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसको थोड़ी देर भूनने दें। टमाटर पकने तक हम पनीर को ग्रेटेड कर लेते हैं। टमाटर पक गया है, अब इसमें ग्रेटेड किया हुआ पनीर को डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। डेढ़ चम्मच गरम मसाला, अब इसमें थोड़ी सी पनीर मसाला को डालेंगे, करीब 1/2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। हमारा पनीर भरता बन के रेडी हो गया है, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी प्लेटिंग भी हो गई है, अब इसके ऊपर डालेंगे हरी धनिया पत्ती। आप पनीर भरता को रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। आपको मेरे रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल द मैजिक हैंड को सब्सक्राइब करें। साइट में दिए गए बेल आइकन बटन को क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।